फादर की डेथ हो जाने के बाद मदर बच्चों को अपने पेरेंट्स की यहाँ पर लेकर जाती है। कुछ रीजंस की वजह से बच्चों को घर में ही छुप कर रहना पड़ता है। यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लावर्स इन द एटिक 2014 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी कैरेक्टर कैथरीन ही हमसे बात कर रही थी। वो कहती है कि लाइफ में कब क्या टर्न आ जाए इसके बारे में आप बता नहीं सकते। पहले तो हमारी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी, पर उसके बाद बहुत ही डेंजरस से टर्न आए। अब ये सब क्या था ये हमें फ्लैशबैक में पता चलेगा। हम कैथरीन की फैमिली देखते हैं जिसमें उसके छोटे से ट्विन ब्रदर और सिस्टर्स थे और एक बड़ा ब्रदर था जिसका नाम था क्रिस्टोफर। मदर का नाम था कोरिन और फादर का भी नाम क्रिस्टोफर ही था। फादर हमेशा अपने काम से ज़रा दूर रहते थे। आज जो घर पर आए तो उन्हें देखकर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। फादर ने भी सबके लिए गिफ्ट लाया था। मदर के लिए उन्होंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस लाया है। इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे। कैथरीन अपने फादर से बात करती है, कहती कि आप इतना ज़्यादा दूर मत जाया करिए, वो उन्हें मिस करती है। घर में सब लोग बिजी होते हैं और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। वो और कुछ बता पाती इससे पहले कोरिन अच्छी तरीके से तैयार होकर बाहर आ गई। वो एक्साइटेड थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिल गया है। अब वो और भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। इस बात से कैथरीन को बहुत बुरा लगा। वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई। फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आए, एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस उसे गिफ्ट करते हैं। फादर ने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ हमारी फैमिली के लिए है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके घर पर बर्थडे पार्टी थी। फादर ज़रा लेट हो गए। डोर पर नॉक आई पर ये पुलिस की थी। फादर का एक्सीडेंट हो चुका था और उनकी डेथ हो जाती है। सब लोगों को बहुत शॉक लगा। ट्विंस को तो अपने फादर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। कोरिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई। उसके पास पैसे भी नहीं थे। कैथरीन ने पूछा क्या हम ठीक रहेंगे। कोरिन कहती है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, मैं सुंदर थी इसी वजह से मेरी तुम्हारे फादर के साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राई कर ही रही है। पैसे ना दे पाने की वजह से कैथरीन का बैले क्लास भी छूट जाता है। कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लिख कर इन्हें पोस्ट कर दिया। थोड़े दिनों बाद कोरिन को लेटर्स का रिप्लाई आता है। उसने फिर अपने सब बच्चों को कहा कि अब हम जाकर मेरे पेरेंट्स के यहाँ रहने वाले। बच्चे शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्हें कोरिन के पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था। कोरिन ने कहा मैंने मेरे पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की थी तो इसी वजह से वो हम पर बहुत गुस्सा थे। अब वो फिर से उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेगी, सबको मना लेगी। बच्चे ज़रा कन्फ्यूज थे क्योंकि यहाँ की पूरी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। और कोरिन ने प्रॉमिस किया कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिच है, यहाँ पर इनकी जो भी सब चीज़ें थी इससे ज़्यादा वो उन्हें बाय कर देगी क्योंकि वैसे भी ये लोन पे नहीं कर पाए तो इस वजह से बैंक सारी चीज़ें इनकी ले लेगी। इसके बाद ये कोरिन की सिटी में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था। वैसे ही रात में बहुत टाइम तक वॉक करते करते वो कोरिन के घर पर आ गए। कोरिन की मदर दरवाज़ा खोलती है, इसका नाम था ओलिविया। ओलिविया ने कहा कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई। वो कोरिन को हमेशा बिल्ली बुलाया करती थी। बचपन से ओलिविया ने कोरिन को हेट ही किया है क्योंकि कोरिन अपने फादर से क्लोज थी। ओलिविया ने बच्चों को एक ऊपर का कमरा दिया जहाँ पर कोरिन के फादर उन्हें देख ना पाए। बच्चे घर में हैं ये एक सीक्रेट था। कोरिन अपने फादर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। अगर फादर ने पहले उसे माफ़ कर दिया इसके बाद उन्हें बता सकती है। कोरिन ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही ओल्ड है, वो कभी भी मर सकते हैं। एक बार उन्होंने अगर मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया फिर हम मिलीनियर बन जाएंगे, हमें इस तरीके से रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरिन ने कहा कि मैं दिन भर यहाँ पर नहीं रह सकती, वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी। अगली सुबह ओलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आई। उसने कहा कि दिन भर तुम्हें खाना है, मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी या इस रूम में थोड़ा भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगर ट्विंस को खेलना है तो ऊपर एटिक है, वहाँ पर वो खेल सकते हैं। बाथरूम यूज़ करते वक्त कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे। ओलिविया ने कहा कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा। बच्चे फिर ऊपर एटिक देखने के लिए गए। ट्विंस को ये जगह खेलने के लिए अच्छी नहीं लगती पर इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसे ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैथरीन और क्रिस्टोफर ने उनके लिए झूला बना दिया। रात में कोरिन सबसे मिलने के लिए आए। ट्विंस उसे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना, वो बहुत ही बोर हो रहे थे, उन्हें घर पर जाना था। कोरिन उन्हें समझाती है कि तुम्हें कैथरीन और क्रिस्टोफर का सब कुछ चीज़ें सुननी चाहिए। ट्विंस मानते नहीं और हल्ला करने लग गए। तभी ओलिविया आ गई, उसने जोर से एक ट्विन को मारा।
कहा कि इस घर में इस तरीके से चीजें नहीं चलेगी। कोरिन इस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओलिविया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो, ये मेरा घर है और मेरी सब चीज़ें यहाँ पर चलेगी। उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा। इतने सालों बाद कोरिन वापस आए तो इस वजह से ओलिविया ने कोरिन को बहुत मारा था। बच्चे भी ये देखकर डर जाते हैं। ओलिविया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो। ये बात बहुत ही अजीब थी। यही चीज़ कैथरीन वंडर करती है, इसका क्या मतलब हुआ। कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी, तो इसी वजह से अपने फादर के बहुत ही क्लोज थी। हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाफ बहुत ही अलग अलग चीज़ें बताया करती थी। स्लोली स्लोली मेरे फादर भी काम में बिजी हो गए थे तो इस वजह से मैं घर में अकेली पड़ गई। तभी मेरे फादर का हाफ ब्रदर हमारे पास रहने के लिए आया क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी, यानी कि वो कोरिन का इनडायरेक्टली अंकल था। वो बहुत ही हैंडसम और काइंड हार्टेड था। कोरिन और उसमें प्यार हो गया। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली और इसी वजह से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। फादर ने भी कोरिन को उनके विल से निकाल लिया था। ओलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो एबनॉर्मल होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्विंस के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था। ओलिविया ने कैथरीन से पूछा कि ऊपर चल क्या रहा है। कैथरीन कहती है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। ओलिविया पूछती है क्या कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग बनाई है, क्या तुम्हें कपड़े निकालने के लिए उसने कहा। कैथरीन को यह बात बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगी। ओलिविया समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ अफेयर हुआ उसी तरीके से इन ब्रदर सिस्टर में भी कोई रिलेशनशिप हो सकती है। अब इसके बाद थोड़े दिन बीत गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं। वो आने के बाद कहती है कि मुझे पूरा टाइम मेरे फादर के साथ ही बिताना पड़ा। वो सेलिंग गई थी, उनके साथ पिकनिक पर गई थी। ये बात कैथरीन को अच्छी नहीं लगती। उसने कहा एक मंथ हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं, तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए, हमें भी बाहर जाना है, हम इतने भी बुरे नहीं कि वो अपने खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन को एक्सेप्ट ना करें। कोरिन अब उन्हें सच बताती है, कहती कि मेरे फादर ने मुझे माफ़ किया पर एक ही कंडीशन पर कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं। अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती, फादर बूढ़े हैं तो उनके मरने का इंतज़ार इन्हें करना पड़ेगा। कैथरीन अपसेट थी पर क्रिस्टोफर उसे समझाता है कि जल्द से ये टाइम भी गुजर जाएगा। उनकी ट्विन सिस्टर उनके पास आई और कहा कि कोरिन मिल नहीं रहा, वो हाइड एंड सीख खेलते हुए एक बॉक्स में बर्न हो गया था, इसे जल्दी से जाकर खोलते तो अनकॉन्शियस हो चुका है। कैथरीन ने उसे हॉट वाटर में बहुत हीट किया, उसके बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इन्हें हेल्प करने के लिए कोई आया भी नहीं था। इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है, अब डायरेक्टली क्रिसमस आ चुका था। कैथरीन ज़रा पॉजिटिवली कहती है कि हमें ओलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए। ये गिफ्ट बनाने के बाद ओलिविया सिर्फ इसे देख लेती है और वैसे ही फेंक कर चली गई। कोरिन जब इन्हें मिलने के लिए आई तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए। बच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे तो उनके लिए एक टीवी भी लेकर आती है। उसने कैथरीन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस लाया हुआ था। कैथरीन ने कहा कि ड्रेस पहनकर हम जाएंगे कहाँ, हम हमेशा ऐसे हाइड होकर नहीं रह सकते। आज घर में क्रिसमस की पार्टी थी तो कैथरीन और क्रिस्टोफर दोनों आने की जिद करते हैं। कोरिन भी इसके लिए मान गई, उन्हें पार्टी में लेकर गए पर ऊपर के लिकर कैबिनेट में उन्हें बंद करके रख दिया जहाँ से वो सिर्फ पार्टी देख सके। एक बॉटल लेने के लिए ओलिविया ऊपर आई थी पर वो निकालती नहीं, वो बच्चों को पकड़ ही लेती है। पार्टी में फर्स्ट टाइम हम कोरिन के फादर को देखते हैं, वो बहुत ही बूढ़े थे। कोरिन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था, उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करते हैं। पार्टी के बाद जब बच्चे यहाँ से जा रहे थे तो कोरिन को एक आदमी के साथ वो देखते हैं, उसे कह रहा था कि हमारी लाइफ एक साथ स्टार्ट करने के लिए मैं रुक नहीं सकता, उसे कहीं दूर लेकर जाना चाहता था। कैथरीन को यह बात अजीब लगी पर क्रिस्टोफर कहता है मदर अब अमीर होने वाली है, उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे। कैथरीन अपने रूम में चली गई पर क्रिस्टोफर आसपास घूमता रहता है। जब कोरिन को यह बात पता चली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्रिस्टोफर के आने के बाद उसने उसे जोर से स्लैप किया। अगली सुबह उन्हें सॉरी बोलने के लिए आई। क्रिस्टोफर ने पूछा कि आदमी तुम्हारे साथ कौन था। कोरिन कहती को मेरे फादर का लॉयर है, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें मेरी मंजिल के बहुत ही करीब हो। उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल ये सब किया था। वो कहती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते, अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, ज़्यादा वरी मत करो। एक्चुअल में कोरिन उन्हें मैनिपुलेट करने लग गई थी, वो खुद इतनी लालची है तो कभी भी ये सब छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन ऊपर क्रिस्टोफर लड़कियों की मैगजीन्स देख रहा था
कैथरीन जब ये उसे पूछती है तो छुपा लेता है। इसके बारे में कैथरीन ने कोरिन से पूछा। कोरिन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो ये अलग अलग चेंजेस तो आने ही वाले हैं। वो कैथरीन के लिए एक ड्रेस लेकर आती है। जब ये ड्रेस कैथरीन पहन रही थी तो क्रिस्टोफर उसे देख लेता है। ये जरा ऑकवर्ड था तभी ओलिविया यहाँ पर आ गई। उसे लगता है इन दोनों में कुछ चल रहा था। ओलिविया गुस्सा होकर कोरिन को पनिश करना चाहती थी उसके हेयर्स कट कर, पर क्रिस्टोफर उसे मना करता है। रात में ओलिविया ने कैथरीन के सर पर टायर लगा दिया। सुबह होने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राई करते हैं पर निकाल नहीं पाते। कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे। क्रिस्टोफर ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो, मैं हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। उसे लगता है कि कैथरीन बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर वो इस तरीके से सोचना नहीं चाहता। कैथरीन के हेयर से टार निकालने का कोई भी वे नहीं था तो उसने उसके सारे हेयर्स कट कर दिया। एक दिन कैथरीन जब डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टोफर और वो मस्ती करने लग गए। ये गलत है रियलाइज कर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आजकल ट्विंस बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे। उन्होंने उन्हें खिड़की में आकर बाहर जाने के लिए कहा पर फिर भी वो मानते नहीं। एक दो साल ये सब यहीं पर रहे हैं। कैथरीन और क्रिस्टोफर को भी बाहर जाना था तो रात में एक रस्सी की मदद से नीचे उतर जाते हैं। एक ब्यूटीफुल से लेक के पास आए। ये वंडर करते हैं कि क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी। वो उस पर अब ट्रस्ट नहीं करते। कोरिन बच्चों से मिलने के लिए आई पर डायरेक्टली 4-5 महीने के बाद। वो बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है, वो हनीमून पर थी इसी वजह से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा, 2 साल हो गए हम यहीं पर बड़े हो रहे हैं, वो इस तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते। कैथरीन ने कोरिन से पूछा क्या तुम्हारे हस्बैंड को हमारे बारे में पता भी है। कैथरीन कुछ भी नहीं बोली और यहाँ से वो चली गई। ओलिविया के हाथों कोरिन उनके लिए स्वीट्स भेज देती है। डोनट्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। कैथरीन ने क्रिस्टोफर से कहा अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते। क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो विंडो के पास खड़ा था तो ओलिविया उस पर बहुत चिल्लाती है। वो उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारती तो क्रिस्टोफर कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है। इस बात पर ओलिविया और भी ज़्यादा गुस्सा होकर उसे कोड़े से बहुत मारती है। कैथरीन ने क्रिस्टोफर की जख्म देखी और ये दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन ये दोनों करीब थे और ओलिविया आके कहती कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। क्रिस्टोफर रोते रोते ओलिविया के पैर में गिर गया। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओलिविया गॉड पर बहुत बिलीव करती थी, उसने कहा तुम्हें गॉड ही माफ़ कर सकता है। ओलिविया के जाने के बाद कैथरीन बहुत ही कन्फ्यूज हो गई। क्रिस्टोफर से पूछती कि तुम ये सब कर क्या रहे थे। क्रिस्टोफर हंसने लग गया, उसने ओलिविया की कीस की कॉपी बनाई थी, अब वो जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं। अब हर रोज़ रात में जाकर घर से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लग गए। ऐसे थोड़े थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत टाइम लग सकता था पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक रात जब ये ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरिन का हस्बैंड ड्रंक होकर सोया हुआ था। कैथरीन उसके पास गए, वो क्यूरियस थी तो उसे किस कर लेती है। इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आ गए। बाहर क्रिस्टोफर फेंस को देख रहा था, ये अभी अभी बनवाई गई थी और इस पर इलेक्ट्रिक का शॉक भी वो लगवा रहे थे। इस इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने का स्विच उसने ढूंढ लिया। घर में आकर वो देखता है तो कोरिन और उसका हस्बैंड बात कर रहा था। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे एक सपना आया जिसमें तुम जैसे एक छोटी सी लड़की मुझे किस कर रही थी। क्रिस्टोफर समझ गया कि कैथरीन थी। उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम ये सब चीज़ें बंद कर सकते हैं। क्रिस्टोफर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया। ये बात उन्होंने कोरिन से कही पर फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना कर रही थी। कैथरीन उसे बहुत भला बुरा कहती है। तो इसके बाद ओलिविया ट्विन को हॉस्पिटल में लेकर गई। अगले दिन ओलिविया इनके पास आई, कहती कि तुम्हारा ट्विन ब्रदर बहुत ही ज़्यादा इल था, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए, उसकी डेथ हो गई। इन सबको बहुत ही बुरा लगता है। अब एक पल भी ये यहाँ रह नहीं सकते थे। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात में घर में जो भी ज्वेलरी होगी, जितने भी पैसे होंगे, सब लेकर यहाँ से वो भाग जाएंगे। यही चोरी करते हुए मेड की बात उन्होंने सुनी। यहाँ की मेड भी चोरी कर रहे थे। वो कहते हैं कि कोरिन के फादर के मर जाने के बाद अब वो स्लोली स्लोली सब मेड्स को निकाल रहे हैं। हम खुद का जितना फ़ायदा कर सके हमें उतना कर लेना चाहिए। क्रिस्टोफर को शौक लगता है कि एक्चुअल में उसके ग्रैंडफादर की 6 महीने पहले ही डेथ हो गई है। कोरिन को अपनी न्यू लाइफ बहुत ही अच्छी लगती थी। उसने अपने हस्बैंड को भी बच्चों के बारे में नहीं बताया था।
उसका प्लान था कि बच्चों को हमेशा एटिक में ही रखेगी। क्रिस्टोफर जब ऊपर आया तो उसकी छोटी सिस्टर की हालत ज़रा ख़राब थी। छोटी सिस्टर ने अपना डोनट एक माउस को खिलाया था और माउस की डेथ हो गई। इसका मतलब है जो डोनट कोरिन ने उन्हें भेजे थे ये पॉइजनस थे। शायद इसी वजह से इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई। इन सब का आवाज़ सुनकर ओलिविया ऊपर आ गए। वो उन्हें मार रही थी पर क्रिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली। वो ओलिविया को पकड़ लेता है और सब लोगों को एटिक में जाने के लिए कहा। उन्हें पता था कि ओलिविया को एटिक में जाने से डर लगता है। वो भी उसे घसीटते घसीटते वहीं पर लेकर गया। वो डोर बंद कर देता है और ये सब खिड़की से बाहर निकल गए। ओलिविया वहाँ से नहीं जा पाए। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। इन सब को भागता देख एक सर्वर ने उन्हें देख लिया। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि प्लीज़ हमें जाने दो, हम कोरिन के बेटे हैं। सर्वर को भी पता चल गया कि यहाँ पर चल क्या रहा था। वो जाकर फेंस की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है और ये सब यहाँ से भाग गए। कैथरीन हमसे कहती है अब हम उस प्लेस पर कभी भी नहीं जाएंगे, पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदर से हो सकती है। मुझ में और क्रिस्टोफर के बीच में जो भी है, इस वजह से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा। यही उसके लिए सजा होगी। क्रिस्टोफर के साथ होना ये कैथरीन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।